कल एक्चुअली हम एक हॉस्टल के राउंड ले रहे थे, मेरे साथ हमारे डीन एकेडमिक थे, मेरा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी थे, हम स्टूडेंट के एक्चुअली हमारा जो एक प्रोग्राम होने वाला है काइजन, वो एनुअल फंक्शन होता है, उसका एक्चुअली अरेंजमेंट के लिए हम एक राउंड ले रहे थे, और हॉस्टल का भी जो कैफेटेरिया है उसका कैसे क्या सब खाना ठीक देते हैं कि नहीं उसका एक राउंड ले रहे थे। उसी समय सीबीआई ने आके हमारे एक थर्ड ईयर स्टूडेंट को पकड़ के लेके गए हैं, उसके बाद फिर शाम को आए थे और दो स्टूडेंट को लेके गए हैं। लेकिन इससे पहले उनका वरिष्ठ अधिकारी ने हमें इंटीमेशन दिए थे कि आके ये हमारे स्टूडेंट को कुछ इंटरोगेशन करेंगे, उसके बाद वो आके लेके गए हैं, चार स्टूडेंट का नाम और उनका फोटो हमें दिए थे, उसके बाद हम इनको जितने कोऑपरेट हमारे तरफ से होगा हम किए हैं, ये आके स्टूडेंट को लेके गए हैं तीन स्टूडेंट को, और एक स्टूडेंट खुद जाके इनको कल सरेंडर किया, और ये सब चारों स्टूडेंट सीबीआई के पास हैं। कहाँ कहाँ के थे स्टूडेंट, क्या नाम? एक तो स्टूडेंट पहला जो आके लेके गए थे उसका नाम था श्री चंदन सिंह, ये थर्ड ईयर स्टूडेंट है, और उसके बाद शाम को आके फिर 6 बजे जो लेके गए कुमार सानू और राहुल आनंद, वो है थर्ड ईयर स्टूडेंट, और है के करण जैन, ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। पहले जो स्टूडेंट था चंदन सिंह, ये है आरा सेवन का, आरारियन ही सेवन का, और कुमार सानू है पटना का, राहुल आनंद ये धनबाद का है लेकिन पटना में अब रहता है, और करण जैन वो जो सेकेंड स्टूडेंट है ये अरारिया का है। उनके रूम को भी सील करने की बात आ रही है, कुछ लैपटॉप वगैरह बरामद करने की बात। सीबीआई ऑफिसर जो हमें कॉन्टेक्ट किए थे, इन्होंने बोले कि वो उनका लैपटॉप मोबाइल और कुछ भी डायरी को कुछ हो सकता है, इसीलिए रूम को हम कर्डन करना चाहिए, तो हम उनका रूम को एक्चुअली हम लॉक करके रखे हैं, और फिर जब वो आएंगे ये खुलेंगे, और जो कुछ मटेरियल उनको चाहिए हम हमारे सामने आके सब इन्वेस्टिगेशन करेंगे बोले हैं, तो रूम खोलेंगे। अब एक्चुअली रूम सब बंद है, सील्ड है। आगे भी किसी स्टूडेंट से पूछताछ की बात बताई गई है क्या? अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन आया नहीं, लेकिन उनका जो मुख्य अधिकारी है, उनका जो वरिष्ठ अधिकारी है, ये हमें बोले हैं कि ये हमें जानकारी देते रहेंगे। अभी तक वो जो स्टूडेंट सब गए थे वापस नहीं आए हैं सीबीआई कस्टडी से, तो सीबीआई ने हमें बोले हैं कि जितने जल्दी होगा ये हमें भी अपडेट करते रहेंगे, और उसके बाद हमें बोलेंगे कि अगला नेक्स्ट जो स्टेप क्या होगा, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट मास है वो एक्चुअली मैंने बहुत सब मैंने टेंस हैं, सब अप्रिहेंशन सबका है एक्चुअली, क्योंकि स्टूडेंट्स का मामला है, उनका करियर है, अब जब न्यूज़ बाहर आ जाता है, और इंस्टीट्यूट का भी डिग्निटी है, एम्स का ये है सब सवाल है, ये तो मिनिस्ट्री का भी डिग्निटी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं कि सीबीआई का जो इंटरोगेशन चल रहा है उसका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या होगा, अगर हमें ये बताएंगे तो इसी हिसाब से हम भी देखेंगे हम हमारे तरफ से क्या करेंगे, और हम जितने उनके तरफ से हमें जितने रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किए थे हम उनको सब कोऑपरेट किए हैं।